क्या आपने कभी पानी की छिपी हुई शक्ति और आपकी वास्तविकता को प्रभावित करने की इसकी क्षमता के बारे में सोचा है? कल्पना करें कि क्या आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए इस रोजमर्रा के तत्व का उपयोग कर सकते हैं। क्या होगा अगर आप जो पानी पीते हैं वो जीवन के लिए सिर्फ एक आवश्यकता से अधिक बल्कि परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो? आपको बस इन शब्दों को मिरर के सामने अपने आप से कहना है और आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर देंगे। आज मैं आपको पानी और शीशे से जुड़ी एक अविश्वसनीय टेक्निक सिखाने जा रहा हूं। पानी में रिमार्केबल कंडक्टिविटी और मेमोरी होती है जो मैनिफेस्टेशन के लिए एक शक्तिशाली तत्व बनाती है। इस टेक्निक ने वास्तव में मेरे जीवन को बदल दिया है और मुझे लगता है कि अगर आप इसे लागू करेंगे तो ये आपके लाइफ में भी इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन ला देगी। लेकिन अगर आप अपने सोचने के तरीके और अपनी आंतरिक दुनिया को बदलने के लिए खुद को प्रभावित नहीं कर सकते हैं तो कोई और नहीं करेगा। हमें अपने मन को नियंत्रित करने में निपुण होना पड़ेगा और सबसे पहले खुद को प्रभावित करना सीखना पड़ेगा। वैसे आपने शायद मेरे सभी वीडियो देखे होंगे, मैं पानी की शक्ति के बारे में बात करता हूं। मैं अक्सर अपने साथ पानी रखता भी हूं क्योंकि पानी आपके वाइब्रेशंस को बदल देता है। पानी मुझे अपना एनर्जेटिक वाइब्रेशंस बढ़ाने में मदद करता है। ये एक वास्तविकता है, ये आपके वाइब्रेशंस को बदल देता है। इस टेक्निक में आपके शरीर के वाइब्रेशंस को बदलने और इसे आपकी इच्छाओं के साथ अलाइन करने के लिए पानी की कंडक्टिविटी और मेमोरी का उपयोग करने के 3 स्टेप्स हैं। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। पानी में मेमोरी होती है और वो वाइब्रेशंस को पकड़ लेता है। ये बात कई वैज्ञानिक कह चुके हैं। आप मसारू इमोटो के वाटर एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानते होंगे। इसीलिए सिर्फ पानी ना पिए बल्कि इसकी ऊर्जा को महसूस करें। यदि आप किसी ऐसी चीज की कल्पना कर सकते हैं जो आप चाहते हैं तो आप स्वयं को उसे पाते हुए देख सकते हैं। उस समय आप हायर वाइब्रेशनल स्टेट में प्रवेश कर सकते हैं और अपने पानी को चार्ज कर सकते हैं क्योंकि आपके हाथ भी वाइब्रेशंस ट्रांसमिट करते हैं। यदि आप स्वयं को वो प्राप्त करते हुए देख सकते हैं जो आप चाहते हैं तो आप उस दृष्टि से पानी को चार्ज कर रहे हैं। चलिए अब अपने सपने की कल्पना करिए और स्वयं को पानी पीते हुए विजुलाइज करिए। ये महत्वपूर्ण है। शब्दों की शक्ति और प्रभाव को समझें और आपको सचेत रूप से उन विचारों को चुनना है। जब से मैंने इसके बारे में बात करना शुरू किया है तब से आप में से कितने लोगों को एक गिलास पानी पीने का मन हुआ है बताओ? आप में से कितने लोग जानते हैं कि जब मैं पानी के बारे में बात करता हूं तो आप स्वतः ही इसे कल्पना कर लेते हैं और इसे पीने का मन करने लगता है? ये दर्शाता है कि शब्दों और आपके वातावरण का आपके शरीर और व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी है, अक्सर आपको इसका एहसास भी नहीं होता है। इसीलिए हम इसे पानी से बढ़ाएंगे क्योंकि शरीर का लगभग 75% हिस्सा पानी है। इमेजिन करें कि आप एक एंटीना हैं जो लगातार वाइब्रेशंस के रूप में इंफॉर्मेशंस सेंड और रिसीव कर रहे हैं। यदि आप अपने शरीर को अपनी इच्छा के कंपन से भर सकते हैं तो आपका एंटीना ऑटोमैटिक रूप से उस चैनल से जुड़ जाएगा जिसे आप अपने जीवन में बनाना चाहते हैं। यही पानी की ताकत है। अब आइए टेक्निक के बारे में जानते हैं। अब आइए स्टेप 1 से शुरू करें। आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए 6 महीने की एक इंटेंशन सेट करें। इसे प्रेजेंट टेंस के कथन के रूप में लिखें, लाइक मेरे पास है, मैं हूं, या मैंने हासिल किया है। आप इसे पास्ट टेंस में भी कह सकते हैं, लाइक मैंने हासिल कर लिया है या मैं हूं। आपको यह ध्यान रखना है कि ये 6 महीने के भीतर अचीवेबल हो और रियलिस्टिक हो। कोई अनरियलिस्टिक गोल निर्धारित ना करें, जैसे कि यह कहना कि यदि आप वर्तमान में गरीब हैं तो आप 6 महीने में 10 करोड़ रुपए कमाएंगे। बड़ा ही अनरियलिस्टिक है ये, है ना? इसीलिए अपनी इंटेंशन को एक्टिवेट करने के लिए इसे विश्वसनीय बनाएं। इसके बाद स्टेप 2 के लिए मिरर के सामने खड़े हो जाएं। मिरर के सामने अपना इंटेंशन रिपीट करें। इसे मैं हूं या मेरे पास है इस रूप में कहें। इसे करीब 9 बार दोहराएं। शीशे में अपनी आंखों में देखना है और आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करते हुए देखना महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आपके पास पहले से ही ये है और इसे अपने जीवन में पहले से ही होने की अनुभूति का अनुभव करें। जब आप वास्तव में महसूस करते हैं कि आपके पास पहले से ही है तो ये आपके जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन जाता है, ना कि कोई ऐसी चीज
जिसके लिए आप ये चीज दांव पर लगाना चाहते हैं। जो लोग महान उपलब्धियां हासिल करते हैं उन्हें अक्सर ये सामान्य लगता है, क्योंकि ऐसा होने से पहले वो इसे कई बार अपने दिमाग में देख चुके होते हैं। स्टेप नंबर 3 में अब पानी काम आएगा। अपने इंटेंशन को 9 बार दोहराते हुए एक ग्लास पानी पकड़ें, एक स्टिकी नोट लें, उस पर अपना इंटेंशन लिखें और उसे ग्लास पर चिपका दें। इंटेंशन को महसूस करिए और जो आप चाहते हैं वो आपके पास पहले से ही है, ऐसा महसूस करिए। इंटेंशन सेट करें और पानी को चार्ज करने वाले आपके वाइब्रेशन की शक्ति को महसूस करें। मिरर में देखिए, अपना इंटेंशन रिपीट करिए और अपनी पूरी हुई इच्छा की अनुभूति को पानी में स्थानांतरित करें। अब इस पानी को पी लीजिए। जैसे ही आप पीते हैं, जो आप चाहते हैं उसे पहले से ही प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, आभारी महसूस करें, और ये पहले से ही एक वास्तविकता है। ऐसा कुछ नहीं जो घटित होगा, बल्कि कुछ ऐसा है जो आपके पास पहले से ही है। ऐसा अगले 6 महीने तक हर दिन करें, जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लें। हर दिन गिलास में पानी भरें, अपने इंटेंशन को 9 बार दोहराएं और ग्लास पकड़ते समय आभार व्यक्त करें। ये विश्वास करके पानी पिए कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी है। एक प्लानर का उपयोग करें, सुनिश्चित करें कि आप निराश हुए बिना लगातार अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। साथ ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक छोटे छोटे एक्शंस को भी नोट करें, उस पर अमल भी करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप परिणामों से आश्चर्यचकित होंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की यात्रा मूल रूप से निरंतर प्रयास और आपके चुने हुए तरीके में अटूट विश्वास का मिश्रण है। प्लानर का उपयोग करना केवल आपके थॉट्स एंड एक्शंस को व्यवस्थित करने का एक तरीका नहीं है, ये फोकस बनाए रखने और आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए डेली स्टेप्स को लिखकर आप एक रोड मैप बनाते हैं, जो प्रक्रिया के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करता है, आपको हतोत्साहित होने से बचाता है। इस टेक्निक में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। पानी के प्रति लगातार पॉजिटिव इंटेंशंस को निर्धारित करके आप अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को अपने परिणाम के साथ अलाइन करते हैं। ये कंटिन्यूअस अलाइनमेंट मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को सुदृढ़ करने, अधिक शक्तिशाली बनाने में मदद करता है। डेली प्रैक्टिस प्रक्रिया में आपके विश्वास को मजबूत करने में मदद करता है। टेक्निक का लगातार दोहराव आपके विश्वास को मजबूत करता है, जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के लिए आवश्यक है। जितना अधिक आप लगातार अभ्यास करते हैं, उतना अधिक आप ये विश्वास स्थापित करते हैं कि आपके इरादे वास्तव में पानी को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण को पूरे दिल से अपनाएं और इसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना मार्गदर्शन करने दें। समर्पण और दृढ़ता के साथ आप अपनी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखते हैं। अभ्यास करते रहें, ध्यान केंद्रित रखें और अपने कार्यों को शब्दों से ज्यादा जोर से बोलने दें। आपकी यात्रा विशिष्ट रूप से आपकी है और इस टेक्निक के साथ आप इसे प्रभावी ढंग से नेविगेट करने और उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए ही बने हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।